नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पिलाई न्यूज। धार के कोर्ट रोड स्थित मेवाड़ हॉस्पिटल को जिला प्रशासन की व राजस्व की टीम व पुलिस के द्वारा डेढ़ वर्ष पूर्व सील किया गया था। वह कुर्की के आदेश चस्पा किए गए थे। दो दिन पूर्व मेवाड़ अस्पताल के गेट पुनः खुल गए। लोगों की आवाजाही देखी गई तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि क्या सेंट टेरेसा, जो कि 250 करोड़ रुपए का घोटाला है, इस घोटाले का मास्टरमाइंड भगोड़ा सुधीर जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रशासन ने मेवाड़ हॉस्पिटल के दरवाजे खुलवा दिए हैं। यह चर्चा धार नगर में चल पड़ी, लेकिन जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि मेवाड़ हॉस्पिटल में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जिला प्रशासन को जब आज इसकी सूचना मिली तो ताबड़तोड़ क्षेत्र में के पटवारी और आरआई मौके पर पहुंचे। आरआई व पटवारी के आने के पश्चात परिजन सिद्धार्थ जैन एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने एसडीएम को एक आदेश की कॉपी दी। तत्पश्चात एसडीएम ने तहसीलदार दिनेश कुमार उइके को तलब किया, कलेक्टर से चर्चा की, बताया कि संबंधित के द्वारा हमें एक आदेश की कॉपी दी गई है, उसकी हम एडवाइस लीगल ले। आपको बता दें कि धार का बहुचर्चित सेंट टेरेसा घोटाला, जो कि 28 नवंबर 2021 को 250 करोड़ के सेंट टेरेसा घोटाले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 34 लोगों को आरोपी बनाया था। इस प्रकरण में सुधीर जैन की पत्नी दोनों ही विगत लगभग 2 वर्षों से फरार चल रहे हैं। फरार चलने के दौरान पुलिस ने इन पर तकरीबन 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। इन फरार आरोपियों पर न्यायालय के द्वारा सुधीर जैन और इनकी पत्नी की संपत्ति को कुर्क करने के पुलिस के आवेदन पर सुनवाई करते हुए संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे। पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार करने के सारे प्रयास असफल रहे। सुधीर जैन और उनकी पत्नी पर लगभग 50,000 इनाम घोषित होने के बावजूद भी दोनों आज तक पकड़े नहीं गए और ये दोनों फरार हैं। न्यायालय के द्वारा 11 संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए गए थे, उनमें से मेवाड़ हॉस्पिटल भी एक है। उस वक्त यह अस्पताल का बिल्डिंग इन लोगों ने किराए से दे रखा था और उन्होंने इस भवन के मरीज होने का हवाला देकर सील के लिए समय की मोहलत मांगी थी। प्रशासन के द्वारा संपत्तियों को सील किया गया था। अब अचानक से मेवाड़ अस्पताल के दरवाजे खुलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रशासन के द्वारा लगाई गई सील को भूमाफियाओं ने चुपचाप खोलकर जिला प्रशासन को चुनौती दे दी है? वही आपको बता दें कि प्रशासन को इस पूरे मामले में खबर तक नहीं लगी। इससे माफियाओं के हौसलों ने सबको अचंभित कर दिया है। अब प्रशासन भी सलाह लेने की बात कह रहा है। हालांकि संपत्ति के ताले खुलने को 3 दिन हो चुके हैं। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों का इस मार्ग से आना जाना होता है। सामने पुलिस चौकी भी है, उसके बावजूद माफियाओं के द्वारा इस तरह ताले खोलना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जब वही परिजन सिद्धार्थ जैन से बात की तो उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के द्वारा ही संपत्ति को ओपन किया गया है। और देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने, खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। हुआ था उसमें जो है मुख्य आरोपी सुधीर जैन था, उसकी संपत्तियां जो है सील की गई थी, लेकिन वो संपत्तियां जो है ओपन कर ली गई है, क्या रहा पूरा मामला? अब ये बात हमारे संज्ञान में आया है और संबंधित व्यक्ति को हमने अभी बुलाया है और उसके उनने जो सिविल कोर्ट का एक आदेश प्रस्तुत किया है जिसमें जो लोअर कोर्ट के आदेश को अपास्त किया गया है, उस संबंध में उनने एक आदेश प्रस्तुत किया है और इसके हम हमारे शासकीय अधिवक्ता से लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि इसका क्या आशय है, उस अनुसार फिर संबंधित के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उस पर करे जाएगी। सर, ये कोर्ट का आदेश जो है वो कब का है? 2022 का है और उनके द्वारा भी समक्ष में प्रस्तुत किया है, उसका अवलोकन करने के लिए हमने भेज दिया है। जैसे ओपिनियन आता है फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो सर, 2022 का आदेश जो है अब प्रस्तुत किया है इन्होंने, तो क्या कारण रहा है इसका? अब इसका कारण तो हम बता नहीं पाएंगे, बट उन्हें अभी प्रस्तुत किया है तो उसका हम अवलोकन करवा रहे हैं संबंधित शासकीय अधिवक्ता से। सर, संपत्ति ओपन की गई तो क्या प्रशासन की टीम भी मौजूद थी वहाँ पे, या फिर मतलब बिना बताए ही होगी? अभी हमारे संज्ञान में अभी आया है, चूँकि हमारे कोई भी शासकीय अमला उस संपत्ति के ओपन के समय उपस्थित नहीं था और इस संबंध में उससे हम परीक्षण करा रहे हैं उस आदेश के। अब क्या कार्रवाई होगी सर, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? आगामी कार्रवाई जो हमारे पास जो ओपिनियन आएगा हमारे शासकीय अधिवक्ता जी से, तो उसके संबंध में फिर जो भी लीगल पोजीशन बनता है उसके तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, ठीक। को जो है राज्य शासन के द्वारा सील किया गया था,
लेकिन विगत दो दिनों से मेवाड़ा अस्पताल खोला गया है, तो क्या आप लोगों के, आप लोगों ने खोला है, क्या आदेश है क्या? देखिए, लोअर कोर्ट का आदेश से उसको कुर्क किया था और एक अभी आदेश संज्ञान में आया है, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धार जी का आदेश है, उसमें अपास्त तो किया है, लेकिन एकदम क्लैरिटी के लिए हम इसमें लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, उसके बाद आगामी कार्यवाही करेंगे। मैडम, नाम रोशनी पाटीदार, SDM धार। उसमें संपत्तियाँ जो है सील की गई थी, तो वो संपत्तियाँ जो है ओपन की गई है, तो किस बिहाफ पे ओपन हुई है? ये न्यायालय के आदेश के द्वारा जो है संपत्ति को ओपन किया गया है, न्यायालयीन आदेश है इसके जो है। कौन से कोर्ट का आदेश है? चतुर्थ न्यायाधीश कोर्ट का आदेश है। कब का आदेश है ये आदेश? जो 1/9/2022 का आदेश है। अच्छा, एक साल बाद, मतलब प्रशासन ने आके सील खोला है या आप ही लोगों ने खोल लिया, क्या है? नहीं, ये इसको एक्चुअली जो है सील किया ही नहीं गया था, जो है इसको कुछ कुर्की का आदेश किया गया था, और उसके कुर्की के आदेश के तुरंत बाद इसकी जो है वो लगाई गई थी रिवीजन। रिवीजन में जो है इसे इस आदेश को मान्य कर दिया गया था, जो कुर्की का आदेश था उसे। नहीं, प्रशासन तो बोल रहा है कि बोले सील था, बोले तहसीलदार से बात हुई है। नहीं नहीं नहीं, क्लियर कर दिया है उस चीज़ को। अब क्या रहेगा इसमें पूरा? नहीं, जो है ये जगह जो है स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व की जगह है, और उसको जो है कुर्की का आदेश जो है उसको निरस्त कर दिया गया था, तो न्यायालय के आदेश से इसको खोला गया है।